हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन स्टडी विद दीप। ये हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का, जिसमें हमने यूरोपियों का भारत आगमन का स्टार्टिंग पढ़ा था, और जिसमें हमने पुर्तगीज़ कैसे इंडिया में आए थे, पुर्तगाली कैसे इंडिया में आए थे, उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था। ये उसका रिमेनिंग पार्ट है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। तो यहाँ पे हम वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। स्टोरी तो हम देख चुके हैं कि किस तरह से पुर्तगाली या यूरोपियंस इंडिया में आए, किस रास्ते से आए, कैसे क्या हुआ, सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखो, ताकि स्टोरी आपको समझ में आए। यहाँ पर हम देखेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स, जिसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो लेट स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कंटेंट को शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में कि सबसे पहले जो यूरोपियंस इंडिया में आए थे वो पुर्तगाली थे। ये पुर्तगाल नाम का देश है, वो इस रास्ते से आए थे, यानी कि केप ऑफ गुड होप होते हुए, जो कि साउथ अफ्रीका में है, इस तरीके से वो इंडिया में आए थे, यहाँ पे कालीकट नाम की जगह पे। इतना हम देख चुके थे। अब हम देखेंगे बिल्कुल कंसाइज और एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स, क्योंकि हमारा उद्देश्य है एग्ज़ाम को क्लियर करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वो फैक्ट्स जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी डेट्स एंड वो सारे फैक्ट्स अभी हम देखेंगे। सबसे पहले, भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज 20 मई 1498 में वास्को डी गामा नाम के पुर्तगाली नाविक ने की थी। कहाँ पे आया था वो? भारत के कालीकट नाम की जगह पे। ये कालीकट केरल में है, यहाँ पे वो आया था। ओके, वहाँ का किंग था जमोरिन। ये हर एक फैक्ट एक क्वेश्चन है, तो आपको ये मेमोराइज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, किसकी सहायता से आया था? देखो, यहाँ पे साउथ अफ्रीका है ना, इस जगह पे उसको एक गुजराती पथ प्रदर्शक मिला था, उसकी सहायता से वो यहाँ पे आया था। क्लियर। वास्को डी गामा का जमोरिन ने स्वागत किया। तो क्या होता है, भारत और पुर्तगाली व्यापार का एक नया युग शुरू होता है। भारत मसालों का द्वीप कहा जाता था, भारत में बहुत मसाले होते थे। जब ये मसाले ले जाकर वास्को डी गामा ने अपने देश में बेचे, तो सारी यात्रा का खर्चा निकालने के बाद भी उसे 60 गुना मुनाफा हुआ। तो क्या हुआ, दूसरे लोगों ने देखा कि इसमें तो बहुत प्रॉफिट है, तो अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। फैक्ट नंबर वन हो गया। उसके बाद में क्या होता है, प्रथम भारतीय पुर्तगाली गवर्नर या कोई भी प्रथम यूरोपियन गवर्नर बन के आता है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, 1505 में, ये 1505 की बात है, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी इसने भारत से व्यापार को बढ़ाने के लिए। किसने चलाई थी? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ये आया था। इसके बाद में 1509 में अल्फांसो दी अल्ब कुर्क नाम का पुर्तगीज़ गवर्नर आया। ये देखो, भारत में पुर्तगीज़ शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। प्रथम पुर्तगीज़ गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। और पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो दी अल्ब कुर्क। इसने क्या क्या किया था? इसने किया था, बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे उसने गोवा छीन लिया। पहले ये कालीकट में आए थे, अब देखो ये पूरे ना पश्चिमी घाट पे, अब पश्चिमी घाट को ऑक्यूपाई करने के इरादे में हैं, तो यहाँ पे कालीकट में आके अब इन्होंने गोवा को भी ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद में क्या होता है, फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज जल संधि पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। हरमुज जल संधि कहाँ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो पुर्तगीज़ थे उनका एरिया। देखो, पहले तो जल संधि क्या होती है, जल संधि होती है एक नैरो वाटर होता है, देखो एक सकरा सा जल मार्ग होता है जो दो समुद्रों को जोड़ता है। तो ये हरमुज बे है, यहाँ अपना इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, तो यहाँ पे है ये हरमुज जल संधि। तो देखो, इतने वाइड एरिया पे ये लोग ऑक्यूपाई कर चुके थे। इस तरह से होता है जल संधि या जल डमरू मध्य, जो दो, देखो दो समुद्रों के बीच में होता है जल डमरू मध्य, डमरू जैसी इसकी आकृति होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेट या जल संधि। जैसे कि एक जल संधि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जिब्राल्टर जल संधि है, यहाँ पे स्पेन है, यहाँ पे मोरक्को है। तो जल संधि तो क्लियर हो गई ना, इसमें तो कहीं यही सोचते रहो कि जल संधि क्या होती है, कौन सी जल संधि ऑक्यूपाई कर ली। तो इतने एरिया पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1529 में आता है नीनो डी कुन्हा,
ये नेक्स्ट गवर्नर था। किस किस गवर्नर ने क्या क्या किया वो सारा हम अभी देखेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो कौन कौन से जो समुद्री यात्री थे उन्होंने किन किन मार्गों की खोज की वो हम देख लेते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने क्या खोजा, भारत का मार्ग वास्को डी गामा ने। कोलंबस ने क्या खोजा, कोलंबस कहाँ का था ये भी क्वेश्चन है, स्पेन का था और उसने खोजा अमेरिका का मार्ग। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का मार्ग खोजा और हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमेंस लैंड नाम की जगह खोजी जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, तस्मानिया कहते हैं। भारत में प्रमुख पुर्तगाली दुर्ग कौन कौन से थे, देखो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने पहला दुर्ग कोचीन में बनाया था 1503 में, ऑल्दो उस टाइम ये गवर्नर नहीं था। पुर्तगालियों का भारत में प्रथम दुर्ग है, या ये भी कह सकते हैं कि भारत में प्रथम यूरोपियन दुर्ग है। उसके बाद में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, इसने अंचीदीव दुर्ग और कन्नानोर दुर्ग, कन्नानोर भी ना यहीं पे है, यहीं पे कन्नानोर है, पूर्वी घाट पे है ये सब कुछ, उन्होंने सॉरी पश्चिमी घाट पे, पूरा पश्चिमी घाट इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से स्थापित संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, यानी कि सबसे पहले कौन से यूरोपियंस आए थे, वो पुर्तगीज थे। अच्छा एक ही आता है कि भारत में यूरोपियंस किस क्रम में आए थे, तो उसका क्रम आपको बताना है, तो उसको आप ट्रिक से याद कर लो, ट्रिक आप कहीं से भी बनाओ, चाहे खुद बनाओ या किसी से आप कहीं से लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपको फैक्ट याद होने चाहिए। तो सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज़ आए थे, फिर डैन आए थे और फिर फ्रांसीसी। इसकी एक ट्रिक है, पुत्र डाबी आपके डैड फ्रॉड है, तो पुत्र से पुर्तगीज़, डाबी से डच, आपके से अंग्रेज़, डैड डैड से डैन और फ्रॉड से फ्रांसीसी। ये ट्रिक मैंने कहीं से ली थी, आपको बता रही हूँ, ये मैंने नहीं बनाई है। पुर्तगीज़ सबसे पहले 1490, अच्छा ये तो व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम था, लेकिन फैक्ट्रीज़ किस क्रम में स्थापित की, फैक्ट्रीज़ सबसे पहले पुर्तगीज़ की एस्तादो द इंडिया नाम की थी, वो 1498 में स्थापित हुई थी। ये स्थापना का क्रम है, आगमन का नहीं, आगमन का क्रम आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद वेरिंग द ओस्ट इंडीशे कंपनी, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में ये स्थापित हुई थी। फिर उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़, ये 1600 में स्थापित हुई थी। फिर डैन आए थे उनकी 1606 में, और जो फ्रांसीसी थी कंपनी देस इंदस ओरिएंटलेस, ये 1664 में। एक बात आप याद रखेंगे, पुर्तगीज़ इंडिया में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे, 1661 से स्टार्ट करके और फिर ये 1961 में गए थे। ओके हाँ ये फैक्ट आ ही गया है यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे और 1961 में गए, 1961 तक वो गोवा पे कब्ज़ा जमा के बैठे थे। मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा, ये 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल था जब इंडिया ने गोवा को अपने में शामिल किया था, ठीक है। जोसे फेरेया बोसा, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान पुर्तगीज़ गवर्नर जनरल था। दोनों ही फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखने हैं। पुर्तगाली फैक्ट्रियाँ इंडिया में कहाँ कहाँ थी, कोचीन में, कन्नूर में, सतगांव और चटगांव। कोचीन वाली 1503 में सबसे पहले स्थापित की थी, 1505 में कन्नूर की, और सतगांव चटगांव की ये 1534 में स्थापित की थी। 1534 में बंगाल का शासक था ग्यासुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। इससे उन्होंने अनुमति प्राप्त की थी सतगांव और चटगांव में अपनी जो है कंपनियां स्थापित करने की, और हुगली में बंगाल की खाड़ी में इसको समुद्री अड्डे के रूप में ये लोग इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 1632 में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इनको पीटा था, मतलब इनको हराया था, ठीक है, इनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था 1632 में। मुगल्स बहुत पावरफुल थे, उन्होंने ये पुर्तगाली बदमाशी दे रहे थे तो इन्होंने पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना दिया और उनको बहुत बुरी तरह से हराया। थॉमस बेस्ट नाम के अंग्रेज अधिकारी ने स्वाली नामक स्थान पर इसको जो है अंग्रेज अधिकारी ने हराया था इन लोगों को। और 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय, ये जो इंग्लैंड है ना इंग्लैंड, इसका सम्राट चार्ल्स द्वितीय, इसका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गया, तो इनको बम्बई दहेज में मिल गया था। देख लेते हैं एक बार, देखो ये छोटा सा देश है ब्रिटेन जिसने इतने बड़े भारत जैसे महान देश को ऑक्यूपाई किया था, इनको मिल गया, ये पास पास है ना, तो इनकी शादी ब्याह होते रहते हैं, तो इनको मिल गया दहेज में, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारी स्टोरी थी, ये सारे जो फैक्ट्स है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके लर्न कर लीजिए। ये सारे फैक्ट्स NCERT से लिए गए हैं। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।